आज इस योग महोत्सव में हमें हौसला और प्रेरणा देने के लिए मंच पे उपस्थित राजस्थान की माननीय राज्यपाल परम आदरणीय कलराज मिश्र जी भारत सरकार की वरिष्ठ मंत्री परम आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी परम आदरणीय भारत सरकार की मंत्री अर्जुन राम मेघावाल जी डॉक्टर मंजूपाड़ा महेंद्र भाई जी श्री कैलाश चौधरी जी और हमारे माननीय संसद मनुष राजूरिया जी रामचरण बहारा जी माननीय दिया कुमारी जी सुभाष चंद्र बहरिया जी भगीरथ चौधरी जी और जयपुर के मेयर डॉक्टर श्रीमती सुमाया गुजर जी भवानी निकेतन की परम आदरणीय जलाम सिंह जी और आयुष मंत्रालय की सचिव वैद्य राजेश कोटेशा जी और मुरद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा की डायरेक्टर ईश्वर वासुभा रेड्डी जी और आज इस युगा महोत्सव में भाग लेने के लिए आई हुई राजस्थान की परम आदरणीय हमारे प्यारे भाइयों बहनों और पत्रकार बंधुओं आप सबको मैं आज इस अवसर पर हृदय से शुभकामना देता हूँ क्योंकि आप सबको मालूम है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम बड़े निष्ठापूर्वक उसको मनाते हैं सिर्फ देश के अंदर नहीं दुनिया में भी आज युग को जिस हिसाब से लोगों ने अपनाया है ये बड़े हमारे लिए उत्साहजनक बात है और आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगली 21 जून को नाइन एडिशन ऑफ इंटरनेशनल डबाई योगा हम सफल पूर्वक मनाने जा रहा है तो इसकी तैयारी के लिए आज हम लोगों ने अलग अलग, अलग काउंटडाउन प्रोग्राम शुरू की है 100 डेज 75 डेज 50 डेज और 25 डेज तो आज सौ काउंटडाउन फिफ्टी एट प्रोग्राम अब राजस्थान की धरती पे आप लोगों का सहयोग की वजह से संभव हुई है और आज इस कार्यक्रम के लिए हमें जो सहयोग आप लोगों से मिली है इसके लिए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विशेष रूप से हमारे वरिष्ठ मंत्री गजेंद्र सिंह शेखवात जी ने भी इस विषय पर जो कदम उठाए हैं आप लोगों को साथ लेकर इसलिए मैं गजेंद्र सिंह शेखावात को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ साथ साथ में हमारे सारे केंद्रीय मंत्री और सांसद और यहाँ की मेयर आप लोगों ने विशेष रूप से भवानी निकेतन समिति की सारे सदस्य ने जैसे हमें सहयोग की है इसके वजह से आज बड़े सफलपूर्वक हम 58 एट काउंट पर फॉर इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने जा रहा है मैं तो आज इस अवसर पर ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हमारे गजेंद्र सिंह शेखवात ने अपने उद्बोधन में उन्होंने जो बात रखी मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है हम सबको अपने जीवन में अपने जीवन को एक सफल रूप देने के लिए मुझे लगता है कि युग का जरिए हमें आगे चलना चाहिए जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए युग के जरिए हमें ज्ञान प्राप्ति युग के जरिए हमारे कर्मों में हमारी भक्तियों में जो हमारे उपलब्धि जो अनुभूति संभव होते हैं तो मुझे लगता है कि ये हमारे जीवन में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं तो आज युग को दुनिया ने विज्ञान की एक पद्धति मानकर उसको अपनाने लगा है तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सब इस विषय पर जोर जाइए और हमारे आयुष मंत्रालय की तरफ से परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सभी केंद्रीय सरकार के मंत्रालय विभाग और प्रदेश सरकार के सहयोग से अलग अलग योग संस्था के सहयोग से आज इस बार भी हम चाहते हैं कि अधिक से लोग हमारे योग अभ्यास में शामिल हो तो इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए आज जो भी कार्यक्रम हमने रचना की है पिछले साल इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को हम सफल बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गार्जियन रिंग का एक हमने प्रोग्राम रखी थी उसको भी सफल पूर्वक मनाया गया सेवेंटी कंट्रीज़ में शामिल हुए और साथ साथ में यूएनओ और यूनेस्को भी शामिल हुए इस बार हम लोगों ने ओसेन रिंग का कार्यक्रम प्रस्तुत की है और साउथ पोल से नॉर्थ पोल तक योग डेमोन्स्ट्रेशन दुनिया देखे इसका भी व्यवस्था की गई है हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंस सब लोगों का सहयोग से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने लगे हुए हैं साथ साथ में देश के अंदर दो लाख गांव में योग अभ्यास करे इसके लिए हम लोगों ने जो भी परिकल्पना प्रस्तुत की है जो भी कार्यक्रम प्रस्तुत की है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे तरफ से योग ट्रेनर्स को भी हमने नियुक्त की है हम चाहते हैं कि हर घर हर व्यक्ति हर आंगन में योग अभ्यास संभव हो तो मुझे लगता है कि आज योग को सब लोगों ने यही माना है कि योग इज ए साइंस ऑफ माइंड साइंस ऑफ बॉडी साइंस ऑफ सोल अगर यही सत्य है तो मुझे लगता है हम सबको अपने शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए मजबूत रखने के लिए निरोगी रखने के लिए योग अभ्यास करना बहुत जरूरी है तो मुझे लगता है कि इस विषय पर आप सब लोग निश्चित रूप से राजस्थान जैसा एक बड़े पुण्य भूमि में आप लोग सदियों से योग अभ्यास में जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है यहाँ ज़्यादा बोलने का कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आप लोग अनुभवी है मुझे लगता है कि देश को आप लोग रश्मि दे सकता है इस विषय पर मेरा ही आप लोगों से आह्वान होंगे कि अगले दिनों में 21 जून को जो भी हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाने जा रहा है इसको हम पूरी से पूरी सफल बनाएं पिछले साल तेईस करोड़ लोगों ने योग अभ्यास में शामिल हुई थी इस बार हमारा लक्ष्य है इसको हम दोगुना करें विश्व भर में हमारी योग अभ्यास लोग करें इस विषय पर हम लोगों ने जो भी कदम उठाए हैं मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से इस बार बड़े धूमधाम से सारी दुनिया में योगाभ्यास में लोग शामिल होंगे इसी का साथ आज मैं हमारी हमें हौसला देने के लिए हिम्मत देने के लिए हमें प्रेरणा देने के लिए हमारे आमंत्रण स्वीकार करके हमारे परम आदरणीय राज्यपाल महोदय ने हमारे बीच आए तो इसलिए मैं विशेष रूप से राज्यपाल महोदय को धन्यवाद देता हूँ और आप लोगों से सहयोग चाहते हुए मंच पे उपस्थित सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद देते हुए मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ